किसानों ने कहा आंदोलन को हल्के में ना ले सरकार, 4 जनवरी को नतीजा नहीं निकला तो पूरे देश में तेज करेंगे विरोध प्रदर्शन। एनडीए में शामिल सभी दलों को आंदोलनकारी किसानों की चुनौती, कहा समर्थन करना है तो एनडीए छोड़ किसानों के साथ आए। पंजाब सरकार को भी आंदोलनकारी किसानों का अल्टीमेटम, कहा गन्ने का भाव जल्द तय करे पंजाब सरकार नहीं तो विधानसभा घेरेंगे। 4 जनवरी को नतीजा नहीं निकला तो 6 जनवरी को किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च, किसानों ने कहा सरकार ये ना सोचे कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान नेता, कहा अगर 4 जनवरी को सरकार फैसला नहीं लेती तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह का बड़ा बयान, कहा एमएसपी पर कानून की गारंटी चाहिए, एमएसपी पर कानून हमारा अधिकार। कोई नतीजा नहीं निकलने पर और तेज होगा आंदोलन, नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को पूरे देश में होंगे कार्यक्रम। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर में अब तक 27,000 करोड़ का नुकसान। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अगर आंदोलन जारी रहा तो नुकसान और बढ़ेगा। पंजाब के होशियारपुर में किसानों का हंगामा, पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर फेंका गया कचरा, किसानों के खिलाफ दिए बयान से नाराज। पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर पे बाहर किसानों के हंगामे के बीच पूर्व मंत्री जी के समर्थक भी वहां पहुंचे, हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। 37वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं किसान। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे बंद, पुलिस ने एहतियातन तौर पर बंद किया हाईवे। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी, एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। अमृतसर में बीजेपी नेता अरुण चुग के घर के बाहर भी किसानों का प्रदर्शन, कृषि कानून की वापस लेने की मांग। शीतलहर के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता प्रदर्शन जारी रहेगा। नए साल पर देश को कोरोना वैक्सीन की सौगात, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी। देश के सभी राज्यों में कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 2020 से बेहतर होगा 2021। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए सभी राज्यों में तैयारी पूरी, पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही दी जाएगी वैक्सीन। भोपाल के 3 सेंटर्स पर किया जाएगा ड्राई रन, वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा, पल्स रेट ऑक्सीजन सब कुछ चेक होगा। 8 जनवरी से भारत ब्रिटेन के बीच फिर शुरू होगी हवाई सेवा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट, नए स्ट्रेन के चलते बंद हुई थी उड़ानें। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने किया जब्त, पीएमसी घोटाले का आरोपी है प्रवीण। पुणे में बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हंगामा, एक ही कार्यक्रम में आए थे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। जी हिंदुस्तान पर टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार को बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की चुनौती, कहा अपरूपा के पति भी जल्द होंगे बीजेपी में शामिल। ममता बनर्जी को एक और झटका, शुभेंदु अधिकारी के भाई शोमेंदु ने भी 16 समर्थकों के साथ ज्वाइन की बीजेपी। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी खेमे में खलबली, टीएमसी के बड़े नेताओं में संपर्क में ममता, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बाबुल सुप्रियो के काफिले की गाड़ी हादसे का हुई शिकार, बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री। नए साल के पहले दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बना भारत, 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहे। भारत और पाकिस्तान ने साझा की परमाणु ठिकानों की सूची, साल 1992 से 1 जनवरी को हर साल दोनों देश एक दूसरे को सौंपते हैं परमाणु ठिकानों की लिस्ट। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के खिलाफ भारत के कई शहरों में प्रदर्शन, जम्मू में पाकिस्तान को झंडा जलाकर जताया विरोध। नए साल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से गोलीबारी में 1 जवान शहीद। मेकिंग ऑफ हिंदू पैट्रियट किताब के विमोचन में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा महात्मा गांधी हमारे जमाने के सबसे बड़े हिंदू देशभक्त। नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों को दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा, बनेंगे भूकंप विरोधी मकान। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हर महीने 100 घर बनाने का लक्ष्य, कम समय में गरीबों को आरामदेह घर देने की कोशिश। दुनिया ने फिर माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा, अप्रूवल रेटिंग्स में दुनिया के सभी नेताओं को किया पीछे, 55 अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए साल पर राम मंदिर ट्रस्ट का भक्तों को तोहफा, चंपत राय ने कहा दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर, अयोध्या में खुल जाएगा प्रभु श्री राम का दरबार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का फैसला, 13 अखाड़ों के अलावा किसी और को मान्यता नहीं, अयोध्या का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम करने की मांग। नए साल के मौके पर अयोध्या में रामलला को 56 भोग लगाए गए, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अर्पित किए 58 भोग। यूपी में धार्मिक स्थल अध्यादेश पर अखाड़ा परिषद का यू टर्न, प्रयागराज में बैठक के बाद किए समर्थन का ऐलान, कहा सीएम योगी खुद एक संत और उनके फैसले का करेंगे सम्मान। दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मिला राजस्व, बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा। नए साल में दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का जमकर हुआ उल्लंघन, 1300 गाड़ियों का काटा चालान, मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर केवल 35 लोगों पर जुर्माना। नए साल पर दिल्ली में ठंड का टॉर्चर, 1 डिग्री से करीब पहुंचा तापमान, 14 साल का टूटा रिकॉर्ड।
यूपी में कानपुर बर्ड सेंचुरी में साइबेरियन पक्षियों का लगा जमावड़ा, इनको नेस्टिंग में दिक्कत ना हो इसके लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। माफिया अतीक अहमद और उनके करीबियों के 37 बीघे के अवैध जमीन पर कार्रवाई शुरू, प्रयागराज प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के सागर में बिजली बिल वसूली करने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। करीब साल भर बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लौटी रौनक, नए साल के स्वागत के लिए केवल कोरोना वॉरियर्स को दिया गया था न्योता। नए साल पर सूनी दिखी लंदन की सड़कें, नए कोरोना स्ट्रेन के चलते सरकार ने लोगों को पार्टी न करने और घरों में रहने की दी है सलाह। 1984 के बाद ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में एक शब्द का बदलाव फॉर वी आर यंग एंड फ्री से बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री किया गया। नए साल पर ताइवान की चीन के साथ सकारात्मक वार्ता की उम्मीद, राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में किया जिक्र। नए साल के जश्न के लिए सूनी रही पेरिस की भी सड़कें, पश्चिमी यूरोप में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फ्रांस में। वेंडिस की फर्स्ट नेश प्रशांत महासागर के बीच मनाया नए साल का जश्न, रेस में 27 प्रतियोगी ले रहे हैं हिस्सा, अगला पड़ाव कैप हॉर्न आइलैंड।